स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ीदार कौन थी? ए अभिषेक वर्मा, बी सरबजोत सिंह, सी राजीव शर्मा, डी सौरभ चौधरी। आंसर बी सरबजोत सिंह। एक्सप्लेनेशन, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में दक्षिण कोरिया को 16-10 से हराकर सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर ने 30 जुलाई 2024 को स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। अगला प्रश्न। इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा स्विमर कौन है? ए जिया राय, बी दीपा मलिक, सी ऋचा मिश्रा, डी देवांशी सतीजा। आंसर ए जिया राय। एक्सप्लेनेशन, मुंबई की 16 साल की दिव्यांग जिया राय इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई हैं। उन्होंने 28 से 29 जुलाई के बीच इंग्लैंड के एबॉट्सक्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डेला कोटे ड्यून तक 34 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे 25 मिनट में तय की। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित होने के बावजूद जिया अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर पैरा तैराक है। जिया राय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 की प्राप्तकर्ता है, जो 18 वर्ष से कम आयु के नागरिकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न। मोंडला पोर्ट टर्मिनल जिसके लिए भारत ने परिचालन अधिकार प्राप्त किए हैं वह कहां स्थित है? ए म्यांमार, बी थाईलैंड, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। आंसर सी बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन, भारत ने बांग्लादेश के मोंडला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के ऑपरेशन का अधिकार जीत लिया है, जो एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कामयाबी है और ये एक ऐसा कदम है जिसका क्षेत्रीय गतिशीलता खास तौर पर चीन को हिंद महासागर में काउंटर करने के लिए बड़ा प्रभाव है। मोंडला बंदरगाह चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और ईरान में चाबहार और म्यांमार में सितवे के बाद हाल के वर्षों में विदेशी बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए भारत को मिली तीसरी बड़ी कामयाबी है। अगला प्रश्न। जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ? ए कोझिकोड, बी इडुक्की, सी मलप्पुरम, डी वायनाड। आंसर डी वायनाड। एक्सप्लेनेशन, 30 जुलाई 2024 को भारत के केरल के वायनाड जिले में मंगलवार को मूसलाधार बारिश की वजह से हुए भूस्खलन ने केरल के पर्यटन स्थल वायनाड में करीब 3 गांवों को तहस नहस कर दिया। इन भूस्खलनों के परिणाम स्वरूप 276 से अधिक मौतें हुई और 200 से अधिक लोग घायल हुए, जिससे ये केरल के इतिहास में सबसे घातक भूस्खलन बन गए। अगला प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में भारत के लिए तीसरा पदक जीतने वाला कौन है? ए सरबजोत सिंह, बी सौरभ चौधरी, सी राजीव शर्मा, डी स्वप्निल कुसले। आंसर डी स्वप्निल कुसले। एक्सप्लेनेशन, अपना पहला ओलंपिक खेल रहे भारत के स्वप्निल कुसले ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस में भारत को पहली बार कांस्य पदक दिलाया। क्वालिफिकेशन में 7वें नंबर पर रहे स्वप्निल ने 8 निशानेबाजों के फाइनल में 451.4 स्कोर करके तीसरा स्थान हासिल किया। भारत का इन खेलों में ये तीसरा कांस्य है। इससे पहले मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में कांस्य जीता था।